गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको जीके का फर्स्ट स्टैंडर्ड के जीके का सेकंड लेसन सिखाने वाली हूँ। कौन सा है अपना सेकंड लेसन? समथिंग स्पेशल। कौन सा है? अभी फर्स्ट हम पहले जीके का नाम लिख लेंगे, समथिंग स्पेशल। समथिंग समथिंग स्पेशल मीन्स क्या होता है आज हमें सीखना है। हमने पहले चैप्टर में देखा ऑन द टॉप पोजीशन में, है ना, वेल्स वेल के बारे में देखा है, लार्जेस्ट एनिमल यानी एलिफेंट के बारे में देखा है, लार्जेस्ट बर्ड के बारे में देखा है, इन सब के बारे में जानकारी हमने ली है ना। एलिफेंट, लार्जेस्ट एनिमल वेल, शार्क, ऑस्ट्रिच, इनके बारे में तो हमने सबने जानकारी ली है ना। तो अभी समथिंग स्पेशल देखना है, कौन कौन से समथिंग स्पेशल है और उनके बारे में क्या क्या हमें स्पेशल दिखता है। तो जैसे आज समथिंग स्पेशल में क्या है, ईच वन ऑफ दिस एनिमल समथिंग स्पेशल। कैन यू नेम द स्पेशल थिंग्स? कैन यू नेम द स्पेशल थिंग्स? आप उनके बारे में बता सकते हो क्या, और उनके बारे में स्पेशल में क्या क्या है वो हम बताने वाले हैं। तो आज फर्स्ट में क्या है, आई we have TO2, I have two yellow and long, TEETSP cord। ये किसका है बोलो, समझो। अब ये मैंने दिया है ना cord, किसको बोलते हैं, किसके टीथ लॉन्ग रहते हैं, तो उसके बारे में हमको देखना है। किसके टीथ लंबे रहते हैं और उस टीथ को क्या बोलते हैं? I have two long teeth called the dash dash। तो किसका है ये? एलिफेंट के है। एलिफेंट के बारे में सोच रहे हैं ना। I have two long teeth। किसको लगते हैं बड़े बड़े टीथ? जैसे एलिफेंट को फैन के जैसे कान रहते उसके, और पिलर के जैसे लेग रहते हैं, और छोटा सा टेल रहता है, तो शेप टीथ। तो ये हमने किसके बारे में देखा है? एलिफेंट के बारे में। और उनके आइज कैसे रहते हैं? छोटे छोटे, बट सब उसकी जो टेल है ना, पूरा नोज अपना उसका लंबा है ना, लॉन्ग रहता है कि नहीं, देखो बच्चों। तो हमें आज देखना है एलिफेंट के बारे में। तो उसके टीथ को क्या बोलते हैं? आई हैव टू लॉन्ग टीथ कॉल्ड द टास्क, है ना। उसके टास्क देखो कैसे दांत जो रहते लंबे लंबे, पूरे खूर जैसे रहते ना सुई के जैसे, तो उसको क्या बोलना है? टास्क, TUSKS, टास, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? खूर जैसे दांत को टास बोलते हैं। तो हमने अभी ये देखा है एलिफेंट के बारे में। अभी हम सेकंड देखने वाले हैं हिप्पोपोटामस। अभी पहले मालूम है हिप्पोपोटामस, देखो यहाँ पे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करके देती हूँ। समथिंग स्पेशल एलिफेंट, हाँ, हिप्पोपोटामस, जेब्रा, कैमल, कांगारू, डियर एंड द लॉयन। ये सब एनिमल कहाँ पे रहते हैं? इसमें कोई कर्निवरस है, हर्निवरस है और हर्बीवरस है। एलिफेंट क्या है? हर्बीवरस यानी वो खाली फ्लैश ईटिंग नहीं करता है। फ्लैश ईटिंग करता है क्या? नहीं करता है। हिप्पोपोटामस भी फ्लैश ईटिंग नहीं करता। कैमल भी फ्लैश ईटिंग नहीं करता है। डियर फ्लैश ईटिंग नहीं करता है। और ये कांगारू भी फ्लैश ईटिंग एनिमल नहीं है। तो जेब्रा क्या है? फ्लैश ईटिंग एनिमल है। ये कौन से भी एनिमल को मार के अपने पेट भरने के लिए खाते हैं। बट ये 1, 2, 3, 4, 5 ये एनिमल्स हर्बीवरस है जो प्लांट ईटिंग करते हैं, खाली प्लांट ईटिंग खाते हैं। और ये लॉयन है, आपको तो पता है ना, जंगल में ये वाइल्ड एनिमल्स है, ये सब वाइल्ड एनिमल्स है, जंगल में रहने वाले हैं। बट इसमें प्लांट ईटिंग करने वाले एनिमल अलग है और फ्लैश ईटिंग करने वाले अलग है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले। आई हैव टू लॉन्ग टीथ कॉल्ड द टास, जिसके लॉन्ग टीथ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टीथ को क्या बोलते हैं? टास। अभी हिप्पोपोटामस देखो, ये कहाँ पे रहता है? ज्यादा करके नदी, बड़े बड़े समुद्र, पानी जहाँ पे रहते हैं ना, जहाँ पे नदी गए रहते ना, और ये अफ्रीकन में ज्यादा मिलते हैं, अफ्रीकन, अमेरिकन
और ऑस्ट्रेलिया, इधर ज्यादा मिलते हैं, जंगल में ज्यादा मिलते हैं। तो इनका शरीर भी कैसे रहता है, एकदम वो आगे के जो तीत रहते सामने भागते गए तो वो आड़ा टेढ़ा भाग नहीं सकते, तो सीधा जाने के बाद सीधा ही जाते। हम लोग अगर उनसे कई इंसान अगर उसको दिखा तो हमारे पीछे भी लग गया वो, तो हम इधर उधर भाग सकते हैं, बट वो सीधे भागता है। तो हिप्पोपोटामस आई हैव ऑन माय नोज, तो उसको क्या बोलते हैं, हिप्पोपोटामस के नोज को क्या बोलते हैं, तो हमको वो देखना है। फर्स्ट हो गया, तो वहाँ पे लिखना है ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5। ओपन करो टेक्स्ट बुक और 5 पेज नंबर निकालो, और मैं जैसे यहाँ पे दे रही हूँ वैसे आपको लिखना है कि आई हैव सेकंड HAVE have a on my nose। क्या बोलते हैं इसको, my nose को हमको देखना है क्या बोलते हैं, और यहाँ पे लिखना भी है। तो I have a on my nose, क्या बोल रहा है उसको, horn, क्या बोलते हैं HORN, हॉर्न, क्या बोलते हैं, हॉर्न है ना, वो सामने जो बजाने के लिए इंसान को आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, आने वाले के हॉर्न, हॉर्न मीन्स अपने नोज को हॉर्न, हिप्पोपोटामस के नोज को क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। आई हैव ऑन माय नोज हॉर्न, हिप्पोपोटामस के नोज को क्या बोलते हैं, हॉर्न। तो हम अभी सेकंड थर्ड देखेंगे, ये तो पता है आपको कौन है, जेब्रा है ना, जेब्रा क्रॉसिंग तो आपको पता है, हम जेब्रा क्रॉसिंग में ज्यादा चलते हैं ना जेब्रा क्रॉसिंग में, तो हमें आज वो ही देखना है। जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि उसके शरीर पूरे शरीर पे व्हाइट एंड ब्लैक ऐसे इसके पट्टे रहते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग है ना। आई हैव ब्लैक एंड डैश ऑन व्हाइट स्किन, क्या बोलते हैं, ब्लैक ऑन व्हाइट स्किन, तो क्या आएगा वहां पे, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे थर्ड पे, थर्ड कौन सा है अपने को, थर्ड क्या लिखना है, आई हैव आई एच वी हैव I have BLACK black dash dash on WHITE white skin। अभी हमने देखा है क्या नहीं देखा है ना, देखो क्या क्या देखा, I have black है ना, इसके black है क्या नहीं, देखो black क्या है उसको, black dash dash on white skin, तो क्या आएगा यहाँ पे, strips, क्या आएगा वहाँ पे, स्ट्रिप्स, उसके ब्लैक है ना, आई हैव ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स यानी लाइन है ना, देखो जेब्रा क्रॉसिंग को कैसे लाइन रहते हैं, वैसे जेब्रा पे अंग के ऊपर स्ट्रिप्स रहते हैं, वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप रहते हैं, तो आई हैव ब्लैक डैश स्ट्रिप्स ऑन अ वाइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिप्स, एस टी आर आई पी ई एस, क्या आएगा, एस टी आर आई टी ई एस स्ट्रिप्स, तो ये आई हैव ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन विच व्हाइट स्किन है ना, व्हाइट मीन्स पांडरा है ना, ब्लैक मीन्स काला, काला और व्हाइट ये दोनों स्ट्रिप उसके जेब्रा पे रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। तो आई हैव ब्लैक स्ट्रिप ऑन विच व्हाइट स्किन। अभी हमको फोर्थ देखना है, कौन सा देखना है, देखो फोर्थ में फिर से रीड करो, आई हैव टू लॉन्ग टीथ कॉल्ड द टक्स, आई हैव ऑन माय नोज हॉर्न, आई हैव ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन व्हाइट स्किन। तो अभी हमें कौन सा देखना है, फोर्थ, हर एक एनिमल्स में कोई ना कोई स्पेशल रहता है ना, रहता है क्या नहीं, देखो स्पेशल, जैसे एलिफेंट में उसके टीथ है ना, हिप्पोपोटामस में उसका हॉर्न है यानी नोज है, और जेब्रा पे व्हाइट एंड ब्लैक
स्ट्रिप्स है, अभी हमको देखना है कैमल, है ना, सी ए एम ई एल कैमल। तो कैमल में क्या है, आई हैव अ वन माइल बैग टू स्टोर फैट इन इट, है ना। कैमल के पीछे जो हम वहाँ पे बैठते हो, वहाँ पे छोटा और बड़ा जस्ट बड़ा ये रहता है ना स्टोरेज, उसको क्या बोलते हैं, फैट इन इट। फैट के जैसे उसके ऊपर एक स्टोरेज रहता है कैमल को। कैमल का भी वो कहाँ पे रहता है ज्यादा करके, कहाँ पे रहता है, देखो वायुमंडलीय प्रदेश बोलते हैं ना उसको, डेजर्ट, डेजर्ट मालूम है आपको, डेजर्ट में रहता है। डेजर्ट यहाँ पे जहाँ पे पूरी तरफ से वालू यानी वालू रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे कैमल रोक, कैमल कितने दिन तक पानी नहीं पिया तो भी रह सकता है वहाँ पे। जैसे हमको वाटर पैस लगे तो हम पानी पानी करते, वैसे कैमल नहीं करता क्योंकि वो डेजर्ट में रहता है, डेजर्ट में ज्यादा पानी नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे सब जगह वालू रहती है, मालूम है ना आपको। वालू मीन्स हम जिससे घर वो बांधते हैं ना, वो वालू छोटी छोटी एकदम बारीक वालू रहती है। तो ये कैमल वहाँ पे 3-4 दिन तक बिना पानी वाटर के रह सकता है। आई हैव अ डैश ऑन माई बैग टू स्टोर फैट इन इट, इसको भी देखो कैमल को, है ना, इसको क्या बोलते हैं, देखो आई हैव अ स्ट्रिप्स, तो उसका क्या है वो, फोर का हम, क्या है वो हम, उसके जो पीठ पे रहता है ना ऐसे बड़े के जैसे, देखो ऐसे इसको ये बड़ा रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, ये कैमल के ऊपर रहता है जो हमको दिखता है, हम डेली देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम। और कैमल है ना, कैमल के लेग भी बड़े बड़े रहते हैं और थिक रहते हैं, पतले रहते हैं, उसकी नेक भी बड़ी रहती है ना, ऐसे पूरा चलते समय हिलता है उसका नेक भी। तो इसी तरह ये कैमल सवारी भी कर सकता है वालवंटी प्रदेश यानी डेजर्ट में, सवारी लेके जाता है कैमल सवारी, ये सब कैमल के, हम इसके ऊपर बैठ के इधर किधर भी घूम सकते हैं। अभी हमको देखना है क्या है, I have on my bag BACK bag to store 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 fat in fat fat in it, है ना। तो क्या आता है वहां पे, I have a dash dash यानी हम, क्या आता है HUMP हम, क्या आता है हम, क्या आता है यहाँ पे हम बोलते हैं। अभी मैंने इसको अभी ऐसे निकाल के बताया ना, इसको हम तो बोलते हैं जो कैमल के ऊपर रहता है ना, कैमल के ऊपर रहते इसको क्या बोलते हैं हम। तो यहाँ पे उन्हों के कैसे उनकी पूरा ये इसमें रहता ही है कैमल में, पानी और स्टोरेज, पानी करने का स्टोर सब जमा करने के लिए हम तुम्हें जमा करके रखते हैं, जिसको उनको पानी के लिए पैसा नहीं रह सकते तो पूरा पानी का स्टोर वहाँ पे अपने पंप में जमा करके रखते हैं वो, और कैमल से सवारी भी कर सकते हैं। समझ में आया क्या, तो कैमल क्या है, आई हैव अ हम ऑन माय बैग टू स्टोर बैग इन इट। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हम HUMP हम, क्या लिखना है, आई रीड फर्स्ट वंस अगेन, CAML कैमल, आई वी हैव अ HUMP हम, O N on M Y my B A C K bag T O 2 S T O R store F A T bag in E, है ना, स्टोर करके रखता है अपने हम्प में, कहाँ पे, अपने हम्प में स्टोर करके रखता है क्या, वाटर। तो अभी हमको फिफ्थ नंबर का देखना है, फिफ्थ नंबर में कौन है, कंगारू, है ना, कंगारू है ना फिफ्थ नंबर। I have dash dash in which I carry my baby ball, है ना, आप तो सामने कंगारू, ओ कंगारू, आपको तो सबको पता है कंगारू, और उसका बेबी कहाँ पे रहता है, अपने पॉन्च में रहता है ना, बेबी पॉन्च में रहता है कि नहीं, देखो ये कंगारू है और उसका बच्चा जो है ना उसके पॉन्च में है। तो क्या है, आई एच ए वी हैव अ डैश डैश इन WHICH beach I CARRY
यम वाई माय बेबी है ना, बी ए बी वाई बेबी। अपने बच्चों को कहाँ पे रख के लेती है, बेबी पॉन्च में है ना, बेबी पॉन्च में लेके घूमती है ना, कहाँ पे भी घूमना किधर भी जाना है तो कहाँ भी आना है तो अपने बेबी को साथ में लेके घूमती है। उसका पॉन्च कहाँ पे रहता है, उसके सामने के इसमें बेबी में पॉन्च में रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉन्च बी ओ यू सी एच पॉच है ना, बेबी पॉच। आई हैव अ पॉच इन विच आई कैरी माय बेबी। वो अपने बच्चों जैसे देखो, अपने बंदर अपने अपने बच्चों को कैसे लेके घूमते हैं, पीठ में लगा के घूमते हैं ना, वैसे ही ये कंगारू अपने बच्चों को अपने पॉन्च में लेके कैरी करता है, यानी अपने पॉन्च में रख के इधर उधर घूमते रहता है। अभी सिक्स नंबर का क्या है, आई हैव देखो ये है डियर, आपने देखा है क्या डियर को, जंगल में रहता है वो, ये सब वाइल्ड एनिमल्स है, जंगल में रहने वाले है पूरे एनिमल्स, एलिफेंट हिप्पोपोटामस जेब्रा कैमल कंगारू डियर कैमल, ये सब कहाँ पे रहने वाले है, जंगल में रहते हैं। अभी हमारे सामने घर पे तो नहीं रह सकते ना, ये घर में रहने वाले नहीं है, तो ये होम एनिमल्स है क्या, नो ये वाइल्ड एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है क्या, नहीं, इसको हम घर में रखते हैं क्या, नहीं, तो ये कहाँ पे रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगल में रहते हैं। अभी हमको क्या देखना है, सिक्स यानी डियर का, डियर देखो आपको पता है हरिन बारहसिंगी ढोरसिंगी ऐसे बोलते हैं ना, हरिन के भी बहुत सारे प्रकार है, तो इसके ये हरिन है ना, इसको बहुत यानी ढोरसिंगी हरिन बोलते हैं, बारहसिंगी जिसको बारह सिंग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, बारहसिंगी हरिन डियर है ना। तो ये हमको क्या देखना है, आई हैव ब्रांचड हॉर्न्स ऑन माय हेड कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न्स को देखना है अभी हमको सिक्स नंबर का। आई एच ए बी हैव बी आर ए एन ब्रांच, उसके डियर के हॉर्न्स को क्या बोला है, ब्रांच यानी झाड़ कैसे रहता है, देखो उसकी फांदी कैसे रहती है, उसी तरह उसका ब्रांच रहता है, ब्रांच एच ओ आर यूनियंस हॉर्न्स है ना, या जैसे हिप्पोपोटामस का हॉर्न्स हमने देखा सामने है, इसका कहाँ पे है, हॉर्न्स के जैसे ब्रांचेस झाड़ की तरह रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हॉर्न्स ऑन माय हेड, कहाँ पे रहते हो, उसके हेड पे, ऑन माय एच ई ए डी हेड, ही इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, सिक्स ब्रांच डियर के हॉर्न्स को क्या बोलते हैं, और एंटलर्स एंड एंटलर्स क्या बोलते हैं, एंटलर्स है ना, एंटीना के जैसे देखो ऊपर हम कभी भी कहाँ पे लटका के रखते हैं कुछ भी, तो उस डियर के हॉर्न्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटलर्स एंटलर्स क्या बोलते हैं, एंटी एंटलर्स है ना, एंटलर्स क्या बोलते हैं, एंटलर्स। तो अभी हमको देखना है, इतने तो हमने देखा है, एलिफेंट का समथिंग स्पेशल क्या है, उसके टीथ, हिप्पोपोटामस का क्या है, हिप्पोपोटामस का क्या है, उसका हॉर्न यानी सामने वाला नोज, जेब्रा क्रॉसिंग का समथिंग स्पेशल क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग, कैमल का स्पेशल क्या है, स्टोर, और कंगारू का बेबी पॉन्च, स्पेशल है उनका हर इसका स्पेशल है। देखो जैसे डियर का क्या बोलते हैं उसको, झाड़ की जैसे स्पेशल को एंटीलर्स। अभी एक देखना है हमको लॉयन है ना, अभी सिक्स का कौन सा है, लॉयन, आप लॉयन किंग ऑफ है ना, ये कहाँ पे रहता है, जंगल में, तो ये सबका राजा है ना, ये कार्निवरस है, जो भी छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं ना उसको कैच करके पकड़ के खाते हैं, यानी फ्लैश ईटिंग करता है, एनिमल्स इज अ फ्लैश ईटिंग एनिमल, एनिमल्स है ना क्या, लॉयन है, देखो ये लॉयन है क्या, एनिमल है ना, लॉयन है ना क्या, टाइगर है, बोलो मुझे क्या है, लॉयन है, तो ये लॉयन जंगल में रहते हैं, उसके
जो हेड के बाल है ना बड़े बड़े रहते हैं, और वो अगर घूंघारने लगा तो सब बाजू बाजू के एनिमल्स भाग के जाते हैं क्योंकि उसके कैच में कोई आना पाए। आई हैव अ कॉलर, अ थिक हेयर ऑन माई हेड इज कॉल्ड। देखो आया ना, मैंने अभी बोला था ना आपको, उसके जो लंबे लंबे बाल रहते हैं ना सामने ऐसे घूंघरने लगता है तो उसके बाल को क्या बोलते हैं? मेन। क्या बोलते हैं? मेन। तो अभी हम 6 का देखने वाले हैं, नॉट 7। LION, लायन। आई हैव HAVE, हैव आई हैव अ CALL, COLL, AR, कॉलर ऑफ। क्या बोलते हैं उसके कॉलर को? क्या बोलते हैं? थिक हेयर है ना, PHICK, थिक HAIR हेयर ऑन माय हेड कॉर्ड, HEAD हेड, CALLED कॉर्ड। क्या बोलते हैं उसको? मेन है ना, मेन के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी मेन। लायन के जो लंबे लंबे बाल रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? आई हैव अ कॉलर ऑफ थिक हेयर ऑन माय हेड कॉल्ड मेन। तो ये हो गए, हमने अभी समथिंग स्पेशल देखा है छोटे छोटे एनिमल्स के कौन कौन से। तो हम मैं अभी यहाँ पे बोर्ड पे लिख के दूंगी मैच द पेयर बोल के, तो आपको करना है। समझ में आया क्या? ओपन GK की नोटबुक निकालना है, ओपन CW एंड राइट नाउ फास्ट, ओपन समथिंग स्पेशल। क्या है समथिंग स्पेशल? मैच द पेयर, MATCH, मैच द PAIRS पेयर्स। फर्स्ट कौन सा है? एलिफेंट, ELE PHANT। नेक्स्ट क्या है? जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा। थर्ड क्या है? कैमल, CAMEL, कैमल। फोर्थ लॉयन, एंड फिफ्थ फाइव देती मैं खाली, यहाँ पे प्लेस नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, DE डियर। तो इनके स्पेशल क्या है? इनके स्पेशल के मैं नाम यहाँ पे लिख के देती हूँ, आपको वो याद करना है। एलिफेंट का स्पेशल क्या है बाद में पहले यहाँ पे लिखती हूँ मैं, फिर बाद में आप बोलना मुझे। एलिफेंट स्पेशल अभी हम यहाँ पे मैच द पेयर देखने वाले हैं। एलिफेंट, जेब्रा, कैमल, लायन, डियर। हम इसके क्या देखने वाले? समथिंग स्पेशल। इनका स्पेशल क्या है? हमें क्या देखना है इसका? समथिंग स्पेशल। एलिफेंट का समथिंग स्पेशल क्या है? उसके टिप, बड़े लंबे टिप। क्या है एलिफेंट का? टिप, टास्क। जेब्रा का क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग स्ट्रिप्स, जेब्रा क्रॉसिंग स्ट्रिप्स। कैमल का क्या है वो देखना है हमें, कैमल का क्या है बेटा? हम, यानी उसका जो स्टोरेज रहता है ना पानी सटर, पानी सा जहाँ पे वो पानी ड्रिंक करके वो अपनी स्टम्प में कलेक्ट करके रखता है, तो हम। लायन का मेन, लायन का मेन, और डियर का एंटीलर्स है ना। ये इसके समथिंग स्पेशल है, ये आपको CW में लिख के लेना है, बाद में स्कूल स्टार्ट होने के बाद नोटबुक संभाल के रखने हैं और अच्छे से दिखा के मुझे देना है। अभी मैंने जो आपको यहाँ पे सिखाया है ये व्हाट्सएप पे भेजना है मुझे, ये लिखा है ना मैंने आपको, क्या है? आई हैव टू लॉन्ग टिक
called the tusk. I have a horn on my nose. I have black stripes on wing skin. तो मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड के आंसर लिख के देती हूँ, वो भी आपके समथिंग स्पेशल में लिखना है। हो गया सबका ये? हो गया? ठीक है, मैं इसको अभी इरेज करती हूँ। समथिंग स्पेशल हो गया, मैच द पेयर, तो मैं इसको अभी इरेज करती हूँ। क्या है? एलिफेंट का तास, जेब्रा स्ट्रिप्स, कैमल हम, लायन मेन, डियर एंटीलर्स, यानी झाड़ जैसे रहते ना, उसके फांदी, झाड़ के फांदी रहते ना बड़े बड़े, उसको एंटीलर्स बोलते हैं। तो अभी ओपन योर टेक्स्ट बुक, और ये मैं यहाँ पे लिख के देने वाली हूँ, आपको लिखना है। इतना होने के बाद हमारा एक कल का होमवर्क फिनिश। फर्स्ट का है देखो, कैन यू नेम द स्पेशल थिंग, इसके स्पेशल थिंग लिखना है। पहले का टी यू एस के एस टॉक्स, सेकंड का क्या है, हर्न हॉर्न एच ओ आर एन हॉर्न, थर्ड का स्ट्रिप्स, फोर्थ का एच यू एम पी हम, फिफ्थ का पंच पी ओ यू सी एच पंच, क्या था पंच, और सिक्स का ए एम डी एंड लर्स एंटीलेट्स है ना, और सिक्स सेवन का क्या है अभी आपको देखना है, मेन। हो गया आपको समझ में आया कि ये? तो अभी हमने पूरे सेवन ये आपको यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये हमको देखना है। तो समथिंग स्पेशल में हमने आज क्या क्या देखा है, टास एलिफेंट के रहते हैं, हॉर्न किसका रहता है, हिप्पोपोटामस का, और जेब्रा स्ट्रिप्स किसके रहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग यानी जेब्रा के, हम किसका है, कैमल का, जो अपने डेजर्ट में पानी का स्टोरेज बना के रखता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हम। पहुंच यानी कांगारू अपने बच्चों को साथ में लेके घूमते रहता है। एंटलर्स यानी झाड़ाचा फांदा कशा असतात आपको पता है क्या, उसी तरह डियर के भी, यानी बारह सिंगी डियर रहते ना जिसके बारह ये ऐसे रहते, देखो हॉर्न उसके, हरिन हरिन के ऐसे इसने इतने बड़े बड़े रहते हॉर्न, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीलर्स, क्या बोलते हैं इसको, एंटीलर्स। अभी मेन मींस लॉयन के जो बाल रहते हैं ना सामने नीचे, उसको क्या बोलते हैं, मेन। तो ये आज हमने इतना सीखा है, क्या क्या है समथिंग स्पेशल में सीखा है, ये आपको घर पे रीड करना है और ये मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। अभी समझ में आया, फर्स्ट लेटर का ऑन द पोजीशन भी देखा है हमने, फिर बाद में दो लेसन के बाद में मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी, आंसर भी दूंगी, उसको घर पे रीड करना है। आया समझ में सबको? ठीक है, तो ये आपका हमारा आज का लेसन फिनिश हो गया। कितने लेसन हो गए हमारे जीके के फर्स्ट स्टैंडर्ड के, टू लेसन हो गए। अभी इस टू लेसन पे मैं आपको मिसिंग लेटर क्वेश्चन आंसर्स आपको बाद में सिखाने वाली हूं। ठीक है बच्चों, चलो समथिंग स्पेशल हो गया है ना आज का हमारा, समथिंग स्पेशल हो गया है। तो आप टेक्स्ट बुक निकालना है, ओपन करना है, ऊपर आपका नाम डालना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है आपका होमवर्क भी। ये पूरा होमवर्क मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। आपको मेरी टीचिंग कैसी लगी, आपको अच्छा आया क्या नहीं आया, समझ में आया क्या नहीं आया, वो देखना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। आई टू डेज में ऑन द पोजिशन के पूरे नेम्स देखा है, जो वर्ल्ड में अर्थ में बड़े हैं, जो अपने वो बड़े पोजीशन पे है। और आज हमने ये देखा है समथिंग स्पेशल में कि हर एक एनिमल का कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है, जैसे आपका मेरा है ना कुछ स्पेशल, जैसे आपका बर्थडे स्पेशल रहता है, मेरा बर्थडे स्पेशल रहता है, कुछ ना कुछ तो हमारा स्पेशल रहता है, उसी तरह इस एनिमल का भी
कुछ ना कुछ स्पेशल है, समथिंग स्पेशल है। तो आज हमने ये स्पेशल देखा है, आपको कल मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगी फिर से। तो विच एनिमल इज अ लॉन्ग टेल, अगर मैं लॉन्ग टेल तो एलिफेंट है, विच एनिमल इज अ लॉन्ग टेल एलिफेंट है, ऐसे क्वेश्चन आंसर मैं आपको पूछने वाली हूँ। चलो ठीक है, आपको समझ में आया तो व्हाट्सएप पे सेंड करना।